Hello everybody, this is Rahul and welcome to Kala Gyan YouTube channel. We will do class 10th math NCERT exercise 8.1 question number 7. हमें given है cot theta is equal to 7/8 और हमें जो फर्स्ट में फाइंड आउट करना है वो हमें करना है 1 + sin theta ब्रैकेट 1 - sin theta अपॉन 1 + cos theta एंड 1 - cos theta. ठीक है, पहले हम फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. जो हमारा cot थीटा होता है वो 7/8 है, उसकी प्रॉपर्टी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ए बी एंड सी, बेस है हमारा 7, परपेंडिकुलर है 8. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. सो h² इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, 8² प्लस 7 49. तो हमारे पास जो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया वो आ गया √113. ये चीज़ हमारी आ गई 113. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है sin थीटा एंड cos थीटा. तो sin थीटा हमारा होता है p/h और cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8, हाइपोटेन्यूज √113, बेस 7 और हाइपोटेन्यूज 113. ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. अब हम अपने जो हमसे पूछे उसमें हम इसमें पुट कर देते हैं. सो हमें दिया होता है 1 + sin थीटा, तो 1 + 8/√113 ब्रैकेट प्लस 1 - sin थीटा, वो था 8/√113 अपॉन cos थीटा है 1 + cos थीटा है हमारे पास 7/√113 एंड 1 - cos थीटा, cos थीटा हमारे पास 7/√113. तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं. तो सोल्व इसको हम करते हैं तो ये हमारे पास होता है a + b और a - b का होल स्क्वायर. सो ये हमारे पास आ गया 1² का 1 हो गया और माइनस a² - b का होल स्क्वायर. इसको हमने ऐसे लिख लिया अपॉन हम सेम नीचे a + b a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b². तो 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो 1 इसको हम ओपन कर लेते हैं. 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट को इसको करा हमने ओपन, तो स्क्वायर से अंडर रूट माइनस हो गया. सिंपल यहाँ पे 7 - 49 और ये हो गया 113. ठीक है, सो 113 - 64 अपॉन 113 एंड 113 - 49 अपॉन 113. ये हमारा कट गया. सो 113 में से हमने माइनस करने हैं 64, तो ये आते हैं हमारे पास 49 एंड ये आता है हमारे पास 64. ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर. तो ये से ऐसे सोल्व करना है हमें. थैंक यू सो मच. आपको ये समझ आ गया होगा. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.